इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां अरविंद केजरीवाल ने एलजी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस्तीफा देकर एलजी दफ्तर से केजरीवाल निकले। अरविंद केजरीवाल का सीएम पद से ये इस्तीफे की बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहाँ अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा सौंप दिया है। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले सीएम पद के लिए आतिशी के नाम का प्रस्ताव भी रखा गया है। अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, इस्तीफा देकर एलजी दफ्तर से केजरीवाल बाहर निकले। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का सीएम पद से ये इस्तीफा हुआ है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली की राजनीति में ये बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले ही केजरीवाल की ओर से आतिशी के नाम पर मुहर लगाई गई थी। साथ ही आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा गया था, और अब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को उन्होंने अपना सीएम पद से इस्तीफा भी सौंप दिया है। साथ ही आपको बता दें कि आतिशी के नाम का प्रस्ताव भी एलजी दफ्तर में उन्होंने दे दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वो शाम करीब 4:30 बजे राजनिवास पहुंचे और उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंपा। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के होने वाली नई मुख्यमंत्री आतिशी और उनकी पूरी कैबिनेट भी साथ में मौजूद थी। ये बड़ी खबर आपको बता, एलजी वीके सक्सेना को केजरीवाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल काफी समय से जेल में बंद थे, जिसके बाद उन्हें जमानत मिली और जमानत के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया, और दिल्ली की राजनीति में ये बड़ा फेरबदल भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अब अरविंद केजरीवाल ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, इसका प्रस्ताव भी एलजी के सामने पेश कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें कि इस्तीफा सौंपने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एलजी को विधायक दल की चुनी गई नेता आतिशी का मुख्यमंत्री पद के लिए नाम का प्रस्ताव भी दे दिया है। ये बड़ी जानकारी आ रही है। लगातार केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने का नाम ही ले रही थी, और साथ ही जिस तरीके से देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं और एलजी दफ्तर से वो बाहर निकलते हुए भी नजर आए। करीब 4:30 बजे के आसपास का वो समय था जब वो राजनिवास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने एलजी को अपना इस्तीफा सौंपा है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने आतिशी के नाम का जिक्र करते हुए भी मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्ताव भी एलजी के सामने रख दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस्तीफा देकर एलजी दफ्तर से केजरीवाल निकले, ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपना सीएम पद से ये इस्तीफा सौंप दिया है और अब आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और ये एलजी दफ्तर की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली एलजी वीके सक्सेना को इस्तीफा सौंपने के बाद केजरीवाल उनके दफ्तर से बाहर निकलते हुए नजर आए। साथ ही ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस दौरान दिल्ली कैबिनेट के सभी मंत्री उनके साथ भी मौजूद नजर आए। साथ ही नई मुख्यमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री आतिशी और उनकी पूरी कैबिनेट भी उनके साथ इस वक्त मौजूद थी। इस्तीफा सौंपने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एलजी को विधायक दल की चुनी गई नेता आतिशी का मुख्यमंत्री पद के लिए नाम का प्रस्ताव भी दे दिया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसके बाद राजनिवास से बाहर आए और मीडिया से बगैर बात किए वो निकल गए। ये तस्वीरें भी देखिए, एलजी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां केजरीवाल ने सीएम पद से अपना इस्तीफा दे दिया है और वो एलजी दफ्तर से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन, सौरभ भारद्वाज भी उनके साथ में मौजूद थे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए दिल्ली से ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। साफ तौर पर ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी होंगी। लगातार आपको बता रहे हैं कि आतिशी के नाम का जो प्रस्ताव था वो विधायक दल की बैठक में रखा गया और इस्तीफा सौंपने के बाद एलजी के सामने भी आतिशी को नए मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव भी पेश कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है।